आपको गेहूं का हलवा बनाने की विधि बताने जा रही हूं और जो कि बहुत ही फायदेमंद है। देखिए ये ऐसे बनेगा। पहले हमने दो कटोरी गेहूं को रात में भिगो के रख दिया था ताकि ये अच्छे से भीग जाए। देखिए इसके दाने अब सब अच्छे से भीग गए हैं। अब इनको हम ड्रेन करके धो के अच्छे से रख लिया है। अब इनको हम पीसते हैं एक चार में। देखिए हमने पिज़्ज़ा है, अब इसको खोल के देखते हैं। ये बहुत ही ऐसे सूखा सा है, इसलिए अब पानी डालने की ज़रूरत है। थोड़ा पानी डालते हैं और फिर इसको पीसते हैं। देखिए इसमें जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पड़ी है तो डाल दिया गया है। अब ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है पिसने के बाद और अच्छे से पिस गया है महीन। जितना महीन पिसेगा उतना अच्छा हलवा बन के तैयार होगा। और सबसे अच्छी बात ये इसमें कितना फाइबर होता है, क्योंकि गेहूं के पूरे समूचे दाने पड़े हुए हैं तो इसमें फाइबर रहता है। जिसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है उसके लिए सुबह निहारे मूँग वो 5 से 6 दिन खा ले तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़े से छुपारा गरी और किशमिश को हम पीस लेंगे। देखिए ये हमारा गरी और छुआरा हमने इसको पीस लिया है, ये तैयार हो गया है इसके। अब ऊपर से काजू और बादाम ऊपर से सजा देंगे। देखिए ये हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस को ऑन कर दिया है। अब इसमें हम देसी घी डालते हैं, 2 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। देखिए ये हमारा घी हो गया है। अब हम इसमें पिसा हुआ गेहूँ ऐसे डालते हैं इस तरीके से, डाल के इसको धीमी धीमी आँच में थोड़ी देर तक। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा घी भी नहीं लगता, मैंने 2 चम्मच ही घी डाला है और इसको भून रहे हैं। और सबसे पहले इसको फुल आँच में भूनते हैं। देखिए फुल कर दिया था हमने और फिर जब ये थोड़ा होने लगे तब धीमे धीमे भून। देखिए ये अब हमारा जो पिसा था ये भून गया और ये गुल्कियाँ पड़ती हैं इसमें बार बार, तो इसको ऐसे दबा दबा के गुल्कियाँ हम लोग तोड़ते जाते हैं ताकि अच्छे से सब पूरा अंदर तक भून जाए। देखिए अब ये भुंज गया है अच्छे से, आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसका कलर बदल गया है। अब हम इसमें ये शक्कर 1 कप भर के पूरा डाल देते हैं। लाइट मीठा रखना है तो हल्की शक्कर डालते हैं और अगर थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ी सी ज़्यादा और इससे डाल सकते हैं और इसको ऐसे पहले मिला देते हैं। देखिए ये पानी डालते हैं जो हमने इसमें मिक्सी जार धोया था वो पानी, और इसमें 1/2 गिलास देखिए आस पास पानी पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं डालना है, खराब हो जाए। इसको धीरे धीरे मिला। देखिए अभी हमने शक्कर इसमें डाली है, पानी डाला है, अब इसको अच्छे से चला के थोड़ा सा इसमें प्रेस करके दबा दबा के इसको ऐसे दबा दबा के चलाते हैं ताकि इसकी सारी गुल्कियाँ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो गुल्कियाँ रह जाएंगी तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए अभी अच्छे से देखिए सब मिक्स हो गया। ये कढ़ाइयाँ भी ऐसे लगते ही लग रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ से सारी चीज़ें सेक गई हैं। अब इसमें जो हमने ये गरी और ये पीसा था ये सब छुआरा और गरी डाल दिया, क्योंकि छुआरे के बड़े पीसेस डालो काट के तो बच्चे खाते नहीं तो उनको समझ में नहीं आता गरी, तो ये हमने पीस के डाल दिया। आप चाहें तो कटी हुई डाल सकते। अब इसको ये पीसी हुई मेवा डालने के बाद इसको 2-4 बार अच्छे से ऐसे छेक देते हैं ताकि वो भी सब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब गैस को ऑफ कर देते हैं। देखिए अब हमने इसको प्लेट में अच्छे से कर लिया है कटोरी में, और इसके बाद इसमें जो ऐसे लंबे लंबे बादाम काट के देखिए अब इसको अगर आप चाहें तो गुलाब की पत्तियों से ऐसे गार्निश कर सकते हैं जो कि देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और इसको अब सर्व करने के लिए तैयार है। आप देखिए कितना अच्छा हलवा गेहूँ का तैयार हुआ है। जितना ही ये देखने में सुंदर है उतना ही ये खाने में भी अच्छा है, हेल्दी और टेस्टी है।